कांग्रेस लीडर महेश कुमार गौड़ ने हाईटेक न्यूज से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा 8 मई को हैदराबाद का दौरा करेंगी, जहां वो रियासत में बेरोजगारों के मसाइल को उजागर करने के लिए जारी पार्टी की मुहिम के हिस्से के तौर पर जलसे से भी खिताब करेंगी। प्रियंका गांधी कर्नाटक से सीधे हैदराबाद पहुंचेंगी। हैदराबाद के सरोनगर में प्रियंका गांधी के जलसे का अहतमाम किया जाएगा, जिसके लिए पार्टी का रियासती यूनिट सरगर्म हो गया है और इंतजाम का आगाज कर दिया गया है। जुझारू नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी ये महीने 8 तारीख को हैदराबाद आ रही है। कर्नाटक में इलेक्शन कैंपेन खत्म करके 4 बजे हैदराबाद पहुंचेगी। जो आज स्टेट में तेलंगाना स्टेट में जो बीआरएस पार्टी अनएम्प्लॉयड यूथ से जो सता रही है, उनके जिंदगियों से खेल रही है, कम से कम 30 लाख लोग आज टीपीपीएससी में अपनी दरखास्त दर्ज करी है। और टीपीपीएससी में वैसे गोलमाल आपको पता है, पहले एसएससी में जो गोलमाल हुआ, बाद में इंटरमीडिएट एग्जाम्स में जो गोलमाल हुआ, ये सरकार पूरा टीपीपीएससी को कंट्रोल करके अपने होने वाले रिलेटिव्स को, अपने हमदर्द लोगों को नौकरियां देने की जो षड्यंत्र चल रही है उनको एक्सपोज हुआ। टीपीपीएस में जो गोलमाल हुआ वो बाहर करने के लिए, और इस देश, इस राष्ट्र में, स्टेट में जो 30 लाख लोग जो अनएम्प्लॉयड है, जो दर्ज कर लिए, उन लोगों की जिंदगियों को फूल करने के लिए, फल करने के लिए कांग्रेस पार्टी एक कार्यक्रम ली है। वो कार्यक्रम के जरिए आज प्रियंका गांधी भी 8 तारीख को आएगी, पब्लिक मीटिंग को संबोधित करेगी, उसी दिन चले जाएंगे।